उमरगाम नगरपालिकाना वोर्ड नंबर 3 માં પાલિકા દ્વારા પાયાની સુવિધાઓ નહીં અપાતા હાલમાં મતદારો દ્વારા ચૂંટણીમાં પ્રચાર અર્થે આવનાર રાજકીય પક્ષોના ઉમેદવારો સામે પ્રશ્નોનો મારો ચલાવી આડે હાથે લઈ રહ્યા છે। उमरगाम नगरपालिकाना वोर्ड नंबर 3 માં પીવાના પાણી અને ગટર તેમજ રોડ અને લાઇટની સુવિધા આપવામાં આવી નથી, જેના કારણે મતદારો અકળાયા છે। ચૂંટણી બાદ 5 વર્ષ બાદ જ ફરીથી મત માંગવા માટે નીકળેલા ગટતમમાં ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિઓએ 5 વર્ષ સુધી क्या હતા તેઓ વેદક પ્રશ્ન મતદારોએ પૂછતા તેમની હાલત કફોડી બની જવા પામી હતી। જીતના બાર પારા હોગા ઉતના બાર સબ બાર દીયો। રાજનેતા આતે તો ક્યા સમસ્યા લેકે આતે આપકે પાસ? બોલતે હમ રોડ બનવાએંગે, ગટર બનવાએંગે, પાણી બનવાએંગે, પાણી દેંગે, આ કઈ કુછ ભી નહીં દેતે, જીત જાતે તો કુછ નહીં કરતે। અભી ક્યા સ્થિતિ હે તુમ્હારે વિસ્તાર કી? અભી પરિસ્થિતિ ક્યા હે તુમ્હારે વિસ્તાર કી? कहीं तो दिख ही रहा और क्या कि दुनिया भर का मच्छर लग रहा है, बना गटर रुकवा पा रहा है। हम लोग मालती देवी, मालती देवी यहाँ क्या तकलीफ है? अरे तकलीफ यही है कि इधर मच्छर लगता है, गंदगी है, इतना बीमारी हो रहा है, सब लोग परेशान है। हम लोग तो भड़े पर रहते हैं, जिसका खुद का है उसको तो थोड़ा कराना चाहिए, टावर एरिया में चाहे कभी भी जाना चाहिए, देखना चाहिए सर सफाई हो रहा है नहीं हो रहा है। सब लोग तो इसी में परेशान है, कोई बीमार है, कोई पीलिया हो रहा है, कोई के डेंगू काट दिया, कोई बुखार है, कोई मर रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, सब लोग इसी में परेशान है। राजनेता कोई आते नहीं, कोई भी हम लोग तो कभी आँख से देखा भी नहीं कैसा है कैसा नहीं है। यही तो है हम लोग का, इधर रहते हम लोग का 10 साल हो गया, मैं तो अभी चेहरा भी नहीं देखता। क्या क्या सुविधाएं नगर पालिका को देनी चाहिए? नगर पालिका को अब ये रोड सब थोड़ा बढ़िया बना दे और टकाटक कर दे तो बढ़िया है ना। ये गंदगी ऐसा है, ये खुला है, ये सब पैक हो जाना चाहिए ताकि कभी जानवर उनवर गिर जाए या बच्चा गिर जाएगा तकलीफ हो जाएगा। आगे ऐसी कोई घटना हो चुकी है ना? हाँ, एक बार उसमें गाय गिर गया था, निकाला गया उसको रात में, ये सब जो है नहीं होना चाहिए। अच्छा, हमारा जो ये वार्ड है उसके जो प्रमुख है, मतलब इसके पहले कुछ और जो अभी, मतलब कि जैसे कि राम सबत सिंह, राम सबत सिंह ही प्रमुख थे, वही इस वार्ड के अभी भी उम्मीदवार हैं, क्या उसके पास से आप आशा रखते हैं? हाँ, काम तो वही किया है, वही करेंगे, आशा है करेंगे, उन्हीं से रखना पड़ेगा ना। क्या नाम है आपका? अच्छा रिंकी जी, खास करके हमारे यहाँ पर जो हमें बेसिक सुविधाएं मिलनी चाहिए, पानी है, लाइट है, रोड उसके का सुविधा मिलना चाहिए, सही में यहाँ पर कितनी सुविधाएं है, किस तरह की मिल रही है? दूसरा कि अभी नगर पालिका का इलेक्शन भी है, तो इलेक्शन को देखते हुए भी यहाँ पर राजनेता आते हैं क्या, बात करते हैं? कुछ नहीं आते हैं, कभी देखने भी नहीं आते हैं। हम लोग क्या खाते हैं क्या नहाते हैं, हम तो सब रूम के भाड़े के रूम में रहते हैं, हम लोग का तो क्या है, कमाने खाने वाले हैं, कुछ करते ही नहीं हमारे लोग में, तो क्या बोले अभी हम। जब सरकार देखे आए इधर, भाई गरीबी कैसे चल रही है, हम लोग की कैसे खा रहे हैं, कैसे नहा रहे हैं, क्या उन लोगों को घटा है क्या नहीं है। भाई बिजनेस धंधा करने वाले को तो नहीं टेंशन है, लेकिन जो नौकरी चाकरी करने वाले को तो टेंशन है ना, कैसे खाएंगे कैसे नहाएंगे। हम लोग सब लॉकडाउन था तो सब लोग घर ही भाग रहे थे, कैसे खाएं नहाएं, गाँव में भी गए तो उधर भी इतना परेशानी था पैसे कौड़े का, क्या करें, फिर वापस आना पड़ा कमाने खाने के लिए। अब गांव में तो बैठे कोई चलेगा नहीं, कमाना खाना तो आना ही पड़ेगा ना, अभी बच्चे हैं भाई, 3-4 बच्चे हैं तो कहाँ से आएगा फिर। आपका होटल किधर है, मतलब आप यहाँ पर होटिंग करते हैं, कहाँ पर करते हैं? गांव में।